गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप इंटीग्रेशंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ सी। आप हूँ तक इंटीग्रेशन दी टेक्निक सीख रहे थे कि किस तरह डिफरेंट टेक्निक्स के नाल इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। आप देखा सी कि तीन बेसिकली टेक्निक्स ने इंटीग्रल सॉल्व कर दी है। फर्स्ट बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ते थर्ड सी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो फिलहाल आप एक ही स्टार्ट की है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, तो आप फिलहाल उसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है जो पिछली एक्सरसाइज सी उससे ही 12 नंबर क्वेश्चन है। इंटेग्रल सॉल्व करना है, इंटेग्रल कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो की करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसनों पुट करते हैं टी, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स नू टी पुट करते हैं, दोनों पासे डेरीवेट करते हैं। कॉज एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरीवेटिव कॉज एक्स, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो इस नाल की होएगा, जोड़ा आ वाला पोर्शन है ये डी टी कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो जोड़ा आ वाला है ये टी रिप्लेस बन जाएगा। इंटेगल देखो इन्ना सिंपल होके रिड्यूस हो जाएगा, देखो सिर्फ ये वन बाय टी रह गया बेसिकली। तो वन बाय टी का जो इंटेगल होंदा है वो लॉग टी के बराबर होंदा है, राइट। सो फाइनल आंसर इज लॉग टी प्लस योर कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टी की वैल्यू वापस रिप्लेस की जा सकती है लॉग कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, राइट। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वें का पहला पार्ट, इंटेग्रल वन अपॉन स्केयर रूट एक्स प्लस टू माइनस स्केयर रूट एक्स प्लस थ्री डी एक्स, राइट। तो ये फिलहाल सब्सटीट्यूट करने तो कुछ नहीं बचता है, इसनों रैशनलाइज करके इसका कुछ किया जा सकता है। तो जो नीचे डिनोमिनेटर है इस दे कंजुगेट के नाल आप इसनों रैशनलाइज कर देने, जिथे मतलब प्लस माइनस है उत्थे प्लस रख के आप उस ही डिवाइड ते मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देने है, राइट। सो जो डिवाइड करोगे तो ना स्केयर रूट जिहड़े हैगे आ ये कट्टे जाएंगे, तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, जिसे जरा एक्स है कट्टा जाएगा, नीचे जरा है टू माइनस थ्री बच जाएगा, राइट। तो टू माइनस थ्री वन, तो देखो कितना सिंपल बन गया है इंटैगरल, सिर्फ आ ही उपरला बच जाएगा जिन्होंने इंटैगरल की लीनियर प्रॉपर्टी के नाल सॉल्व कर सकते हैं। इसनों इंटैगरल वन मान लें, इसनों इंटैगरल टू मान लें, लैट आई वन इस बराबर। हुण इसनों सॉल्व करन दे लई सब्सटीट्यूट करना पवेगा, एक्स प्लस टू नूं आपां टी वन पुट कर दिंदे, जो डी एक्स जिहड़ा हैगा डी टी वन दे बराबर आ जाएगा, राइट। ते तो इंटैगल की बन गया फिर आई वन, इट इज़ ए टी वन की पावर एक बटा दो, जिसनों बड़ा ईजीली सॉल्व कर सकते हैं आपां, टी वन रेज टू पावर वन बाय टू प्लस वन अपॉन वन बाय टू प्लस वन, राइट। ये सॉल्व करके इन्ना बन जाएगा सिंपलीफाई करके, टी वन की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो। दूसरे वाला जो इंटैगरल है आई थ्री आई टू, वो है इंटैगरल एक्स प्लस थ्री का, सॉरी इंटैगरल एक्स प्लस थ्री का स्केयर डी एक्स। तो एक्स प्लस थ्री नू टी टू पुट कर दें, राइट। इतों डी एक्स जरा है डी टी टू आ जाएगा, तो इंटैगरल बन जाएगा टी टू रेज टू पावर वन बाय टू, जिसका इंटैगरल एज ईजीली इसनों आप कर सकते हैं, राइट। तो इतने कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू लै लाँगे अपन, तो बस दोनों इंटैगरल्स नू फीड कर दो उत्थे जिथे हैगा, अब दोनों फीड करते सी वन प्लस सी टू, दोनों इंटैगरल दे कॉन्सटेंट इंटैगरल कॉन्सटेंट जिहड़े हैगे जुड़ के आपां नू इह एक सिंगल कॉन्सटेंट दे नाल रिप्लेस कर सकते हैगे। उस तो बाद 16 आई जिहड़ा हैगा आई 16 आई क्वेश्चन आईथ क्वेश्चन, इंटैगरल वन बाय स्केयर रूट एक्स प्लस टू। तो हूँ ये थोड़ा जहा मुश्किल हो सकता पर इन्ना मुश्किल नहीं है, आप ही करते हैं इस वाले एक्स में जोड़ा है स्केयर रूट एक्स करके लिख लेने है लिख लिया, स्केयर रूट एक्स कॉमन निकल जाएगा, आह वाले स्केयर रूट एक्स आह वाले स्केयर रूट एक्स कॉमन निकल जाएंगे। तो जो आप बच गया इसको आप पुट करते हैं हूँ टी, राइट। इसमें टी पुट कर देने, दोनों पास जो डेरीवेटिव करोगे तो वन अपॉन टू स्केयर रूट एक्स डी एक्स डी टी के बराबर आ जाएगा, राइट। तो यानी कि जी आह वाला जो फैक्टर है आह वाला ए डी टी दे नाल रिप्लेस हो जाएगा टू डी टी दे नाल, इस इहदे नाल। तो रिप्लेस करता तो ए वन बाय टी टू डी टी हो गया, वन बाय टी का इंटैगल बड़ा ईजी होंदा है लॉग टी दे बराबर होंदा, टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो आंसर आ जाएगा। टेंजेंट क्यूब का इंटैगल निकलना है, टेंजेंट क्यूब में आप लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स ते टेंजेंट स्केयर,
एक्स है ना। टेंजेंट स्केयर में अपन सीकेंट स्केयर एक्स माइनस वन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है वह रिप्लेस कर देंगे डी एक्स राइट। ये ऊपर आप लीनियर प्रॉपर्टी यूज कर देने हैं, ये दो इंटैगल टेंजेंट एक्स सीकेंट स्केयर एक्स आवल इंटैगल बन जाएगा माइनस टेंजेंट एक्स इधर वक्रा आ जाएगा राइट। पहले इंटैगल के आप टेंजेंट एक्स में कुछ पुट कर देने हैं पहले इंटैगल च ठीक है, दोनों पास डेरीवेटिव करोगे तो सीकेंट स्केयर एक्स डी एक्स डी टी के बराबर आ जाएगा राइट। तो ये टी बन जाएगा तो टेंजेंट एक्स का इंटैगल जो होंगे वो माइनस लॉग ऑफ कॉज एक्स के बराबर होंगे, वो तो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे प्लस लॉग कॉज एक्स आ जाएगा। तो यह इंटैगल टी बन गया, तो यह इंटैगल टी पता ही होंगे टी स्केयर अपॉन टू है, तो ईजीली यह सॉल्व हो जाएगा, टी की वैल्यू पुट कर दो जो भी है आप फाइनल आंसर बन जाएगा प्लस योर कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उस तो बाद है वन अपॉन वन माइनस टेंजेंट एक्स, इनू आप जो टेंजेंट एक्स है इसको आप साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स लिख लेंगे, कॉज एक्स उपर चला जाएगा, तो जो उपर वाला कॉज एक्स है आप इसको टर्म्स एक्सप्रैस करेंगे ये कंजुगेट की मीन कॉज एक्स में आप ए इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉज एक्स माइनस साइन एक्स लिखने की कोशिश करते हैं जितों ए तो बी आप निकाल सकते हैं कोफिशियंट इक्वेट करके राइट। तो ए तो बी जोड़े है वन बाय टू तो वन बाय टू आ जाएंगे, तो इंटैगल फिर इस तरह लिख लिया जाएगा ठीक है, जिसे आह टर्म जी इस कट्टी जाऊगी तो यह डेरीवेटिव उपर पिया है तो इस तरह रिड्यूस हो जाएगा। तो जोड़े इस वाले आप कॉज टी पुट कर सकते हैं जिसका डेरीवेटिव उपर पिया लॉग चांसर आ जाएगा ठीक है, इस तरह सॉल्व हो जाएगा वन बाय टी तो लॉग चांसर आ जाएगा ठीक। तो यह फाइनली कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, ये तो बड़ा सौखा क्वेश्चन सीगा जस्ट ये जे तुम आह वाली एक्सप्रैशन ना लिखते इस तरह तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना सीगा, मुश्किल है क्वेश्चन अदरवाइज होर कोई तरीका नहीं है, इसमें हो सकता होवे तरीका पर सब तो कन्वीनियंट तरीका है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है साइन टू एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉज एक्स सारे का स्केयर, इसको सॉल्व करना हूँ आप पहले साइन टू एक्स में लिखते हैं टू साइन एक्स कॉज एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉज एक्स राइट। आप इतने कुछ पुट कर जाएगा तो ए प्लस बी कॉज एक्स में आप टी पुट कर देने राइट, तो कॉज एक्स जोड़ा है अपना ये बराबर आ जाएगा, दोनों पास डेरीवेटिव कर दो यानी कि माइनस साइन एक्स डी एक्स वन अपॉन बी डी टी आ जाएगा, तो जिते जिते कॉज एक्स है उत्तर पुट कर दो साइन एक्स डी एक्स भी कवर हो जाएगा तो आ चीज़ बन जाएगी आ जो जो कि एक लीनियर जो कि एक अलजबराइक फंक्शन है इस तरह फाइनली रिड्यूस हो रहा है राइट। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं लॉग टी आ जाएगा तो वन बाय टी आ जाएगा माइनस का या प्लस का, तो टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो जो भी हैगी ए बी ए प्लस बी कॉज एक्स वैल्यू हैगी पुट कर देंगे आप राइट। तो तीसरे का पहला है क्वेश्चन कत्तीवें का पहला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना वन अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस ए, तो की करते हैं जोड़ा उपर है ना वाला बेसिकली एक्स कट्टिया जा रहा है, ये असल च ए माइनस बी है कॉज ए माइनस बी यानी कि एक्स्ट्रा आएगा उसको कंपनसेट करने लिए आप थले जोड़ा है इधर डिवाइड कर देंगे उपरले आप ए बी फार्मूला लगा खोल देंगे ठीक है, उसको खोल लिया तो वो अपना तो उन्होंने आप खोल लिया कॉज ए माइनस बी वो हमारा कॉज बी साइन ए बी है ना, तो जो आ डिवाइड हो गए तो आ कॉज एक्स माइनस बी कट्टा जाऊगा तो आ टेंजेंट एक्स माइनस ए कोटेंजेंट एक्स माइनस ए हो जाएगा, अगली बार आना कट्टा जाऊगा ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस बी है ना, तो आ चीज़ आएगी कॉट का भी अपन इंटैगल पता है तो अपन टेन का भी पता होंगे कॉट का साइन च होंगे लॉग ऑफ साइन तो टेंजेंट का कॉज च होंगे लॉग ऑफ कॉज, तो दोनों इंटैगल आ गए प्लस योर कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इन्होंने लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी अपना लॉग ए बटा बी के बराबर होंगे है ना, वो यूज करके अपना जो है इस तरह सिंपलीफाइड फॉर्मेट के आंसर आ जाएगा। 35 वाला थर्ड पार्ट है क्वेश्चन भी देखने को मुश्किल लगता पर असल है नहीं गा, इस ई की पावर एक्स में आप दो हिस्सों में वंड सकते हैं ई की पावर एक्स बाय टू तो ई की पावर माइनस एक्स बाय टू नीचे डिवाइड हो जाएगा राइट। तो इस तरह आप कर लिया इसको तो जोड़ा नीचे वाला है वो इधर मल्टीप्लाई कर दो आ चीज़ बन जाएगी, थले वाले पुट कर दो कुछ टी वगैरह डेरीवेटिव कर दो आ चीज़ जी कवर होकर डी टी के बराबर आ जाएगी माइनस टू डी टी के, तो यह बन गया फाइनली वन इंटैगरल बन गया वन पॉन टी
माइनस टू डी टी जो कि लॉग डी आ जाएगा आंसर का, तो जो टी सीगा पुट किया वापस रिप्लेस कर दो ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मतलब हम जो मैं कह कोई कोई स्पैसीफिक तरीका हैगा इन्हों का तो वो कोई ऐसी गल नहीं हैगी, बद तो बद इन्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पैनी है सिंपलैसट केसिस तो स्टार्ट करते हुए हौली हौली तुम जे तरीके सीखते जाओगे, हो सकता तुम कोई आप भी नवे तरीके डिवेलप कर लो पर अदरवाइज़ कोई सौखा तरीका नहीं है। जे कही कि आप कही कि आई शॉर्ट शॉर्ट तरीका है इसमें सॉल्व कर अलग अलग तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने, पर बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का केस में भी आपको कई बार फंक्शन इंटैगल के अंदर वाले फंक्शन इस तरह सिंपलीफाई करना पैंता कि वो सब्स्टिट्यूशन हो सके ठीक है।